अरे साहब तो ये बाजार ले जाते हैं, बिकती नहीं है और बहुत नुकसान आ रहा है। हफ्ता में 3-4 दिन पानी लगाना पड़ता है, बहुत नुकसान आ रहा है। नहर का पानी आता नहीं नहर है आपका? हाँ, एक बाजू में इतनी गहरी है, नहर के पानी चढ़ते नहीं, पानी नहीं आता। ज़्यादा पानी हम टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई कीड़ा आके नीचे काट देता पेड़, पेड़ काटने के बाद उसको खा जाता है, रोग आ जाता है। महेंद्रसन जी क्या काम करते हैं? ये बाग का काम करते हैं, आम की बाग। आम की बाग। तो इस बार कैसी फसल है आपकी? सुराही से नुकसान है, गेहूँ के आम सब रोग गिर गया। क्या वजह है? रोग लग गया है। गर्मी की वजह से कोई नुकसान? धूपों की वजह से रोग हो गए। अच्छा, तापमान गर्मी से कितना नुकसान हुआ है बाग में? अरे बाग में भैया मजे का नुकसान हुआ, कोनो आंकड़ा था इनका, क्विंटल का नुकसान हुआ। कितने क्विंटल लगभग होता था पिछले साल? कितना क्विंटल? करीब 25 क्विंटल रहा। अच्छा, और इस बार कितना लगभग होगा? आपकी 10-12 क्विंटल है। क्या नाम है आपका? अरविंद। अरविंद जी क्या करते हैं? सर खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे गर्मी प्रचंड पड़ रही है तो खेती में कितना नुकसान है, कितना फायदा, और क्या अभी इस समय आप खेती कर रहे हैं? अभी तो सर उर्द की खेती बोया हूँ, इसमें भी 4-4, 5-5 पानी लग चुके हैं। अच्छा, और अभी देखो कितना लगेगा इसमें पानी। तो गर्मी की वजह से? हाँ, गर्मी की वजह से नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान हो रहा है। नहर का पानी आता नहीं है। नहर है आपके यहाँ? हाँ, एक बाजू में इतनी गहरी है, नहर के पानी चढ़ते नहीं, पानी नहीं आता है। नहीं, ठीक है। तो कैसे, कितनी समस्याएं होती हैं? समस्या बहुत है पानी की, खाली पानी अगर आ जाए तो इसमें पिपरमिंट भी लगा सकते हैं, उर्द भी बो सकते, और भी फसल कर सकते हैं। धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी क्या करते हो? सब्जी बेचते हैं सर। सब्जी बेचते हैं, खरीद कर बेचते हैं कि लगाते हैं खेतों में भी? खेत में साहब लगाते हैं। खेत में लगाते हैं? हाँ। तो गर्मी जैसे बहुत पड़ रही है तो इसमें क्या पूरा चल रहा है सब्जियाँ? अरे साहब तो ये बाजार ले जाते हैं, बिकती नहीं है और बहुत नुकसान आ रहा है। हफ्ता में 3-4 दिन पानी लगाना पड़ता है, बहुत नुकसान आ रहा है। कहाँ कहाँ बेचते हैं सब्जी ले जाते हैं? तेली बाग कल्ली साहब ले जाते हैं, अभी धूप में और कुछ प्रॉफिट नहीं साहब हो रहा है। और कोई भी सब्जी लगाते हैं? हाँ साहब, लौकी, कदुआ है, मिर्चा है, ये सब हरी सब्जियाँ। हाँ, हरी सब्जियाँ साहब होते हैं, मतलब कोई प्रॉफिट साहब नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश नाम है मेरा। राम प्रकाश जी क्या करते हैं? जी खेती किसानी करते हैं हम। ये बताइए जैसे अभी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जी जी, तो किन किन खेती में ज्यादा नुकसान है और अभी आप किस चीज की खेती कर रहे हैं? और सर नुकसान है, कितना फायदा है? सर नुकसान क्या, जुराई लगती है यहाँ, और जैसे आपका कीटाणु होते हैं, और जैसे नीचे दीवार वीवार होती है, ये सब लगते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह सब, जो पीली और लाल गुजिया होती हैं, एक वो गुजिया भी आ जाती हैं पाती को काट के, वो कर नुकसान गर्मी की वजह से सर। कितना नुकसान हो जाता है खेती में? अब सर जो नुकसान हो जाता है ये सब वही है, जितने लग जाते जितना, या फिर कोई प्रोजेक्ट हम डालते हैं वही थोड़ा कम राहत मिल जाता है हमको। अभी किसी की खेती कर रहे हैं? अब अभी तो हम कोई खेती नहीं कर रहे हैं, यही पेपरमिंट है, चरी है, उर्द है, यही अभी खेती हम कर रहे हैं। इसमें गर्मी से क्या नुकसान है, क्या फायदा है? इसमें गर्मी से ये नुकसान है कि जैसे ज़्यादा पानी हम टाइम पर नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई कीड़ा आके नीचे काट देता पेड़, पेड़ काटने के बाद सुखा जाता, रोग आ जाता है। पानी ज्यादा लगाना पड़ रहा है गर्मी में? जी जी, पानी हफ्ता में एक दफा तो लगाना। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ किसान और वो जो व्यापारी किसान हैं, जिन्होंने बताया कि गर्मी की वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे वो सब्जी व्यापारी का किसान हो चाहे वो अन्य किसान हो। उनका कहना है कि गर्मी की वजह से उन्हें परेशानियां हो रही हैं, पानी की कमी हो रही है, और नहर भी है जहां पर, वहां पर नहरों में भी पानी नहीं है। अब ऐसे में देखने वाली बात है, एक तरफ जहां लोग इस प्रचंड गर्मी से परेशान है, वहीं इन किसानों को भी कब आखिर राहत मिल पाती है। योगेश मिश्रा, उत्तर प्रदेश टाइम्स, लखनऊ।